हेलो गाइस, राम राम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को। तो मॉर्निंग में उठ के शो पे आ गए, देखते हो जैसे हम नए लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि वैसे ही हमारा स्टार्ट होता है, सुबह 10 बजे शॉप ओपन हो जाती है। तो आज मैं अपना थोड़ा सा कलेक्शन दिखाना चाहता हूँ जो सेकेंड हैंड फ़ोन का मेरे पास है। थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत नहीं दिखा पाऊँगा, और बाकी तो रिपेयरिंग का ही दिखाना है ज़्यादातर हमने शॉप के ऊपर, कि रिपेयरिंग हमारी सबसे बेस्ट होती है। बेस्ट मतलब बेस्ट टू बेस्ट रिपेयरिंग है। जो प्राइस आपको फ़ोनों की स्क्रीन आप कंपनी जाके लगवाते हो 30-35 हज़ार रुपये की, जो स्क्रीन है, बड़े बड़े फ़ोन हैं उनकी, डेढ़ डेढ़ लाख 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 रुपए के फ़ोन हैं उनकी, 30-35 हज़ार रुपये से कम स्क्रीन नहीं आती सर्विस सेंटर में। वही स्क्रीन अपने यहाँ पे 40% डिस्काउंट में मिल जाती है, मतलब कि 30-35 हज़ार रुपये की स्क्रीन है वो 20-21 हज़ार रुपये में लग जाएगी, 18-19 हज़ार रुपये में लग जाएगी, काफ़ी मतलब और ज़्यादा कम प्राइस होता है। क्योंकि पुराना मॉडल हो जाता है तो आप सोचते हो कि कहाँ से स्क्रीन लगवाएं, कैसे करें, क्या करें, तो वो सब होता है। तो आप फोन रिपेयरिंग के मामले में, तो हर कोई भी फ़ोन हो रिपेयरिंग के मामले में, एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करें बालाजी कम्युनिकेशन पे, और एक बार रिपेयर करा के देखें कि आपको सर्विस सेंटर वाला ही काम मिलेगा प्रॉपर। बाकी ये देखो मेरी कलेक्शन सेकेंड हैंड फ़ोनों में, सारे नीट एंड क्लीन फ़ोन मिलेंगे आपको मेरे यहाँ पर। देख रहे हो कितने सारे फ़ोन, सारे फ़ोन नीट एंड क्लीन मिलेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ एक बार बैक कैमरा ऑन करके, ना चेक करो। सब फ़ोन मिलेंगे और विद बॉक्स मिलेंगे आपको, ये ना एंड्रॉयड एप्पल कोई भी लो सब फ़ोन मिलेंगे, और नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ़ सुथरे फ़ोन, खुले हुए रिपेयरिंग वाले नहीं होंगे। देखो जैसे टूटा हुआ ही रखा हुआ है दुकान के ऊपर, कस्टमर कहेगा जी चेंज करके देना है तो ही चेंज करके देंगे, अदरवाइज नहीं। कैसे दे बोल दिया कस्टमर को कि ले जा भाई कुछ भी चेंज नहीं है, ये वाला सिस्टम तो हमारे पास वो वाला सिस्टम नहीं होता कि कस्टमर को बोल दिया भाई देख हमने कर दिया ये फ़ोन ठीक और रख दिया काउंटर पे और फिर बोल दिया जी भाई हो गया रिपेयरिंग। अगर खुला हुआ फ़ोन है तो कस्टमर को बताया जाएगा कि रिपेयरिंग फ़ोन है और फिर सेल किया जाएगा, चाहे वो 1000-1500-2000 रुपये कम देके जाएगा, लेकिन सेल बाद में ही करते हैं जब वो कस्टमर को प्रॉपर बताया जाए। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, पूजा पाठ कर लें, सफाई कर लें शॉप पर, आए थे अभी शॉप पर तो मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस देखिए हम छोटे से लेके बड़े तक फ़ोन ठीक करते हैं। देखो छोटा फ़ोन ले गया भाई, कह रहा डिस्प्ले डालनी है, काफ़ी दुकानदार होते हैं मना कर देते हैं छोटे फ़ोन के लिए, भाइयों इसी काम से स्टार्ट करा था धंधा ये, तो इनको भी ठीक करके दिया करो कस्टमर को। कई बंदों के पास पैसे नहीं होते तो वो आज बेचारे घूमते रहते हैं इधर उधर, कोई ठीक नहीं करके देता। ये देखो छोटे फ़ोन भी हम, मतलब कोई भी फ़ोन हो 500 वाला 1000 वाला, सब फ़ोन ठीक करके देते हैं कस्टमरों को, सेटिस्फाई करते हैं भाई, उनका भी ध्यान रखा करो। ये देखो भाई आया छोटा फ़ोन, रिक्शा वाले हमारे पास आते हैं, ये भैया आते रहते भैया। हाँ जी देख लो इनका 3-4 बारी फ़ोन ठीक कर दिया, कभी जैक खराब हो जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है, लेकिन करके देते हैं हमेशा। ये नहीं कि वापस भगा दिया भाई, नहीं नहीं नहीं, बड़े बड़े काम पकड़ने हैं, छोटों को हाथ नहीं लगाना, तो करके देते हैं ये। देव से ना एक भाई आया था सुबह सुबह, कह रहा है एक बढ़िया सा ब्लूटूथ दिखाओ, तो भाई को दे रहे हैं देखो पेट्रोनिक्स का ब्लूटूथ, बहुत ही प्यारा साउंड है इसका, और 6 महीने की गारंटी भी है दुकान से, कोई दिक्कत आएगी दुकान पे ही आना, कहीं सर्विस सेंटर वगैरह नहीं जाना। देखो भाई आया हमारा जानकार। हाँ भाई क्या हाल है, बढ़िया है। ये हमारे कल्लू ढाबे पे काम करते हैं भैया, तो वहाँ से आए थे, तो कह रहे भैया एक नंबर दिखा दो, स्पेशल डिस्काउंट दे दिया भाई को, मतलब जितने का आया था उतने का दे दिए यार, कोई नहीं। देखो भाई कर रहा है अनबॉक्सिंग, निकाल के दिखाता हूँ आपको एक नंबर चीज़ है, बैक कैमरा ऑन करता हूँ फिर दिखाता हूँ, रुको। स्पेशल डिस्काउंट है भाई, जो काम धंधा करते हैं ना, मेहनत करते हैं पूरी, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। ये देखो एक बारी आप क्या लुक लग रही है इसकी, देख रहे हो मेरी शक्ल भी दिख रही है अंदर, देख रहे हो आप ब्लैक गोल्डन कलर भाई, ये चेक करो आप। अब भाई सुनते हैं साउंड एक बार, बढ़िया अच्छा लगा भाई, चार्ज होगा ना, चार्ज है, देख रहे हो भाई, भाई को खुश कर दिया आज। चलो तो गाइस फाइनली मैं फ्री हो चुका हूँ, पूजा पाठ कर ली है सफाई करके, और हनुमान चालीसा को पाठ मैं करता हूँ वो कर लिया है। अब मैं देखने जा रहा हूँ सौरभ भाई का ब्लॉग, मैं हर रोज सौरभ भाई का ब्लॉग देखता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ग्राउंडेड बंदे लगते हैं, और हमेशा मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, वीडियो देखता हूँ उनकी, और काफ़ी बंदों को सपोर्ट करते हैं, वो शो ऑफ नहीं करते लेकिन काफ़ी बंदों को सपोर्ट करते हैं भाई, शो ऑफ आज तक नहीं करा उन्होंने। जब भी कुछ लेके आते हैं घर पे तो अपने फैमिली से कंफर्म करते हैं, फिर कुछ लेके आते हैं, तो मुझे सब बहुत प्यारा लगता है। तो आप भी उनका ब्लॉग ज़रूर देखा करो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनके ब्लॉग से, तो दिखाता हूँ मैं आपको अभी उनका ब्लॉग ही देख रहा हूँ, देखो आप न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ अपनी सुपर कार का रिव्यू कम्प्लीट, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्या चीज़ मुझे इसमें पसंद नहीं आई।
भी आया अपने पास सैमसंग M11, ये देख रहे हो स्क्रीन टूटी हुई, आधी आ रही आधी नहीं आ रही, ये रिपेयर करना है। और सुबह जो आपको फ़ोन दिखाया था मैंने कि रिक्शा वाले भाई का, वो अपा ने ऑन कर दिया, डिस्प्ले ओके कर दिया इसकी, भाई को दे देंगे, अब ठीक कर दिया बढ़िया से, ठीक है भाई खुश हो जाएगा। बाकी एक ये जियो का फ़ोन आया था जैक लगने के लिए, ये भी ओके कर दिया। एक वीवो का फ़ोन आया था सुबह, दिखा नहीं पाया था मैं आप सबको, ये भी रिपेयर कर दिया, स्क्रीन लगने के लिए आया था तो ओके है ये। अब इसकी स्क्रीन लगानी है M11 की, तो अब ये थोड़े बहुत काम ख़त्म कर लेता हूँ फटाफट, 3:30 तक कोशिश करूँगा जिम जाने की यार, क्योंकि उसके बाद भीड़ होनी शुरू हो जाती है, डबल बॉडी पार्ट्स करता हूँ मैं जिम के अंदर, तो टाइम लगता है मेरे को, डेढ़ घंटा तो लग जाता है अप्रोक्सीमेट, सवा घंटा डेढ़ घंटे के करीब तो लग जाता है अप्रोक्सीमेट ना। तो गाइस मिलते हैं अब जिम पहुँच के सीधा आपको वहीं से। तो गाइस देखिए मैंने ये खोल दिया फ़ोन, सैमसंग M11 जो दिखाया था ना आपको रिपेयर होने के लिए था वो, और इसका ये पार्ट्स है, स्क्रीन आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए ये फ़ोन खोल दिया पूरे, ये सारे पार्ट्स हैं इसके, स्क्रू देखिए इतने सारे दिख रहे हैं इसके अंदर, और ये स्क्रीन फिक्स करनी है इसके अंदर, जो डैमेज स्क्रीन थी वो इसके अंदर ही लगी हुई है, ये देखो अब नई स्क्रीन लगा के आपको दिखाता हूँ, फिर चेक करना आप। तो ये देखिए स्क्रीन आ गई है, मैंने बाहर से आउटर से ही लगा दी है ना, अभी इसके अंदर फिक्स नहीं करी, आउटर से लगा के टेस्ट कर रहे हैं इसको, 10-15-20 मिनट टेस्ट करेंगे, फिर इसको अच्छे से पैक कर देंगे, वैसे कर देंगे जैसे कंपनी फिटेड आता है ना, सेम वैसे ही कर देंगे इसको। तो अभी तो ये खुला हुआ है, पूरा टेस्टिंग होगी आधा घंटा, फिर पैक करेंगे इसको, फिर पैक करने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसे स्मूथ चलता है ये, बिल्कुल समझ लो ओरिजिनल पार्ट जैसे ही क्वालिटी के माल मिलता है अपने पास ना, बेस्ट चीज़ डालो ताकि कस्टमर याद ही रहेंगे। हो गया ऑन पूरा, अब इसको चलाएँगे थोड़ी देर, फिर पता कर जाएंगे, फिर चेक करके और पैक करेंगे इसको बढ़िया से। तो फाइनली फ़ोन पूरा खुल गया, देखो स्क्रीन उतार दिए पुराने वाले जो टूटी हुई थी, बैटरी बाहर निकालनी पड़ती है पहले, फिर ये पूरा फोल्डर बाहर निकलेगा पुराना जो था ना स्क्रीन वो। और अब इसकी एक क्रोम देख रहे हो साइडों में, ये जो ग्लू पुरानी लगी हुई ना, ये पूरा अच्छे से साफ करना पड़ेगा, फिर पेस्टिंग करेंगे इसकी, ताकि दोबारा ये पेस्टिंग उखड़े ना और अच्छे से फिनिशिंग आए फोन के अंदर की, ऐसा ना लगे कि स्क्रीन चेंज करवाई हुई है, ऐसी फिटिंग करके दिखाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे दोबारा। तो भाई सैमसंग M11 पैक हो गया, देख लो पूरे स्क्रू लगाए हुए हैं, एक स्क्रू भी कम नहीं है, यहाँ तक कि इसके नीचे वाला स्क्रू भी लगाया हुआ है, कम कोई भी स्क्रू नहीं रखते हम, पूरा स्क्रू लगा के देते हैं कस्टमर को, ताकि वो कल को कहीं हमारी शॉप के अलावा भी 1% कहीं बाहर गया हो, कहीं दिखाता है तो उसको ये ना लगे कि हमने कुछ पार्ट्स इधर उधर करे हैं या कुछ करा है, तो प्रॉपर फ़ोन पैक करके देते हैं कंपनी की तरह। तो भाई देखिए स्क्रीन जमा सॉफ्ट तरीके से चलेगी आपकी, जैसे ओरिजिनल चलती है वैसे, सेम क्वालिटी फिनिशिंग, ये देख सकते हो आप साइड में, कहीं भी आपको गैप नज़र नहीं आएगा, कहीं पे ग्लू का निशान नज़र नहीं आएगा, जैसे कंपनी फिटेड होती है वैसे फिटिंग मिलेगी सेम। ठीक है गाइस, चलो अब नेक्स्ट फ़ोन की तरफ लेके चलेंगे, जब होगा तब आपको दिखाता हूँ। तो भाई लोगों अब मैं जा रहा हूँ जिम, 4 बज गई है, तो जिम से आके मिलते हैं, शॉप के काम में लग गएंगे वापस, तब मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस फाइनली एक्सरसाइज करके शॉप पे पहुंच गया था, लेकिन काफ़ी भीड़ हो रखी थी शॉप पे, भाई कल्ला था शॉप पे तो काफ़ी भीड़ हो रखी थी, उनको आते ही कस्टमर अटेंड करने लग गया, तो डाइट भी नहीं ले पाया जिम से पहुंचने के बाद। ये देखो मैं ये खाता हूँ भीगे चने और हरे वाले मूंग, ये रात को भी होकर छोड़ देता हूँ, सुबह आते वाली शॉप पर ले आता हूँ, जिम खत्म एक्सरसाइज खत्म करने के बाद आके ये खा लेता हूँ, और सुबह भी थोड़े बहुत खा लेता हूँ, तब यही डाइट चलेगी। अब करते हैं शॉप पे काम, लगे हुए हैं पूजा करने का टाइम हो गया, पूजा करता हूँ फिर वापस बाकी की वीडियो में आगे मिलते हैं। तो गाइस अब मिलते हैं सीधा आपसे हम 10:30, क्योंकि शाम का टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो वीडियो बना नहीं पाता, क्योंकि किस किस से पूछेंगे, काफ़ी कस्टमर खड़े होते हैं, एक भी कस्टमर मना कर देगा तो फिर वीडियो में आ नहीं सकता वो, तो फिर दिक्कत आती है, इसलिए वीडियो शाम के टाइम बहुत कम ही बनाते हैं। अभी मैं क्या था मार्केट, अभी भी शॉप पर पहुँचा हूँ जस्ट, कुछ मेरी डाइट का सामान था जिम की वो लेके आया था, और कुछ देखो शॉप का सामान कुछ ख़त्म थे, माउस वगैरह कुछ छोटे सेल आते हैं काफ़ी चीज़ों में जो डालते हैं वो ख़त्म थे वो लेके आया था, मार्केट गया था, अभी भी पहुंचा हुई शॉप पे, अब सामान लगाते हैं और जाते हैं घर, रेस्ट करेंगे जाके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही सुबह आपको। तो आज के लिए वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, सभी को रात के लिए राम राम।